हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉम्टेक्स सॉल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट टू वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस होता है वो कैसा होता है और उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जिससे हम अपने वर्किंग को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके मेरे फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है और इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, इसमें भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका जो इंटरफेस है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि एक वाइट सी पेज आपके सामने ओपन हो गया है और ऊपर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इसमें मैंने आपको आज यही बताना है कि इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जिसका यूज करके हम अपने कार्य को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको ऊपर के और राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, जिसमें आपको मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकॉन बना है और यहाँ पे एक सेव बटन दिया है, यहाँ पे आपको अंडू कमांड दे रखा है और यहाँ पे रिडू कमांड दे रखा है। इसका यूज क्या होता है, इस ऑप्शन का यूज हम इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी इसको हम जल्दी से जल्दी अपने कार्य को करने में हमारी ये क्या करता है, मदद करता है। और जैसे ही यहाँ छोटे से एरो ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और जिस ऑप्शन पे आप टिक लगा दोगे उसका छोटा सा आइकॉन आपके सामने यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिससे आप अपने कार्य को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है फाइल टैब, इसका यूज करके हम अपने फाइल को सेव करना, ओपन करना, क्लोज करना, न्यू ऑप्शन पे जाना, प्रिंट करना, ऑप्शन सेटिंग करना और एग्जिट करना, ये सारे ऑप्शन हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास है, ये जितने ऑप्शन आपके सामने ये दिखा रहे हैं इस एरिए को हम बोलते हैं रिबन बार, यानी ये जो होता है एरिया वो हमारा क्या होता है, रिबन बार। इसमें हमारे पास कई सारे मेनू बार हैं जिसका यूज हम डिफरेंट डिफरेंट कार्य के लिए करते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। इसमें हम सारे अपने कार्य को इस डिफरेंट डिफरेंट मेनू बार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के काम को कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे दे रखा है डॉक्यूमेंट वन और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमारे पेज का क्या है, टाइटल बार है, जिसमें हमारे पेज का जो टाइटल है वो डॉक्यूमेंट वन है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद नीचे यहाँ पे दे रखी है स्टार्ट बटन के जस्ट ऊपर पेज वन ऑफ वन, यानी हमने कितना पेज यूज किया है वो यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है, और जस्ट उसके बगल में वर्ड्स ऑप्शन लिखा है जीरो। अगर हम अपने पेज पे कोई भी पैराग्राफ टाइप करते हैं या कोई लेटर टाइप करते हैं तो उसमें कितने वर्ड्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, कितने लाइंस हैं और कितना पेज मैंने यूज किया, वो सारा मुझे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको सारा डिटेल आपको वन बाय वन यहाँ पे दिखा देगा, जैसे पेज, वर्ड, कैरेक्टर नो स्पेस, कैरेक्टर विदाउट स्पेस, पैराग्राफ, लाइन, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ नीचे राइट साइड में देखिएगा, सबसे नीचे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिसको हम बोलते हैं पेज व्यू ऑप्शन, यानी हम अपने पेज को कितने कितने प्रकार से व्यू कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया प्रिंट लेआउट व्यू, दूसरा ऑप्शन दिया फुल स्क्रीन, तीसरा ऑप्शन दिया वेब लेआउट, फोर्थ ऑप्शन है आउटलाइन और फिफ्थ ऑप्शन है ड्राफ्ट, यानी हम इस पांच प्रकार के ऑप्शन से अपने पेज को व्यू कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट उसके बगल में दिया है जूम ऑप्शन, यानी यहाँ पे हम अपने पेज को कितने परसेंट जूम कर सकते हैं, तो मिनिमम अपने पेज को 10% और मैक्सिमम अपने पेज को 500% तक जूम कर सकते हैं, और जो बाय डिफॉल्ट साइज होती है जूम की वो 100% होती है। तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपने पेज को जूम इन और आउट करने के लिए। ऊपर देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे स्क्रोल बार दिया है, जिससे हम अपने पेज को मूव और अप एंड डाउन ऑप्शन से कर सकते हैं, यानी पेज को ऊपर और नीचे हम यहाँ से कर सकते हैं स्क्रोल बार से। फिर यही स्क्रोल बार हमारे पेज के बॉटम ऑप्शन पे देता है, जिससे हम अपने पेज को लेफ्ट राइट ऑप्शन पे यूज कर सकते हैं। अगर मेरा पेज बड़ा है तो यहाँ पे देखिए स्क्रोल बार ऑप्शन अवेलेबल हो गया, जिससे हम अपने पेज को लेफ्ट और राइट मूव करा सकते हैं, यानी हम अगर एरिया में मूव कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट एरिया में जो इन्फॉर्मेशन होगा वो दिख जाएगा और राइट एरिया में जो इन्फॉर्मेशन होगा छिपा हुआ वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा।
तो हम अपने पेज को यहाँ पे 100% करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेज के जस्ट ऊपर यहाँ पे देखिए हमारे पास रूलर बार दिया है, जिसकी मदद से हम अपने पेज की मार्जिन को कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो एरिया है रूलर बार का, ये टॉप ऑप्शन पे दिया है, जिससे हम अपने पेज के लेफ्ट और राइट साइड के मार्जिन को कम और ज्यादा कर सकते हैं। वैसे ही सेम हूबहू मेरे पास यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में एक रूलर बार अवेलेबल है, जिससे हम अपने पेज के टॉप एंड बॉटम एरिया के मार्जिन को पेज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पूरे पेज का एक इंफॉर्मेशन है, जिससे हम अपने कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिससे हमारा कार्य और भी आसान हो जाता है और हमारे वर्किंग प्रोसेस में टाइम की बचत हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।